するのね。Limits and continue.Limits and continuity. First class. Limits.Different types of limits: algebraic, exponential, or logarithmic. Algebraic means factorization, rationalization.Infinity type or number 4 formula type. Right. Exponential mean Kali formula type. Logarithmic only formula.जब वहां पहुंचेंगे तो फॉर्मूला लिख देंगे, अभी लिखेंगे नहीं। अब देखो, हम लोग को दिया हुआ है, नोट कर लो, बस इतना हम लोग को पढ़ना है लिमिट्स में, लिमिट्स ओवर। अभी कॉम बेसिकली कहां से आते हैं? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पर ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग को लिखा हुआ है, खाली समझना दो मिनट के लिए, limit x tends to 2, limit पूरा लिख सकते हैं, short में ln लिख सकते हैं, ft लिख सकते हैं, कुछ भी, limit x tends to 2, x square minus 4 by x minus 2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, limit x tends to 2, x tends to 2 meansx tends to 2 means either x is 1.9999 just less than 2 or x is 2.00001 ठीक है, x is not exactly 2 but x is very very close to 2, यदि हम लोग कैलकुलेटर में कभी 1.9999 ऐसा फिगर आ जाए कितना लेंगे इसको 2 लेंगे 2.00001 आ जाए कितना लेंगे इसको 2 लेंगे तो इसको प्रैक्टिकली कितना लेंगे हम लोग 2 इसको प्रैक्टिकली कितना लेंगे बट मैथमेटिकली 2 है क्या नहीं तो x tends to 2 means प्रैक्टिकली x is 2 बट थ्योरेटिकली मैथमेटिकली x is not 2 it is very very close to 2 as close as possible ठीक है ये तो मीनिंग बताया x tends to 2 का मतलब हम लोग प्रैक्टिकली x के जगह क्या पुट करेंगे 2 प्रैक्टिकली इतना नहीं पुट कर सकते क्या पुट करेंगे 2 तो x के जगह एक बार 2 पुट कर दो तो कितना आ गया 4 minus 4 2 minus 2 कितना आ गया 0 by 0 0 by 0 कितना होता है undefined 0 by 0 कितना होता है
अनडिफाइंड, मैथमेटिक्स में अभी तक डिफाइंड नहीं हुई 0/0 कितना होगा, ठीक है। इसी केस को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है कि 0/0 या फिर समथिंग बाय 0 नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करके थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 2, इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 बाय x माइनस 2, क्या होगा, कैंसिल। फ्रेश लिखो एक बार, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2, ठीक है। अभी कुछ भी नोट करने का जरूरत नहीं, हम बोल देंगे जब से नोट करना हो, खाली समझो। समझ में आ गया तो नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब x की जगह 2 पर पुट किया जाए तो कितना आया, कितना आया, डायरेक्टली हम लोग x की जगह 2 पुट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। और इस जो हम लोग एक्सप्रेशन दिया था इसको कुछ सिंपलीफाई कर दिए, क्या सिंपलीफाई किए, फैक्टराइज कर दिए, क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए। इसके बाद जब x की जगह 2 पुट किया तो कितना आया, एक वैल्यू आ गया 4, पहले अनडिफाइंड आ रहा था अभी क्या हो गया। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है जिससे अनडिफाइंड नहीं आए, यहाँ पर वैल्यू आ जाए, बस इतना ही सीखना हो। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हो सकता है फैक्टराइज करना पड़े, हो सकता है रेशनलाइज करना पड़े, ना नेक्स्ट एक इन्फिनिटी टाइप सम्स आएगा और एक फार्मूला टाइप सम्स आएगा, ठीक है। तो